तो प्रस्तुत व्लॉग में कुछ चीज है जो आप लोग को थंबनेल से पता लग गया होगा। तो कोई भी बंदा इससे गलत इंटेंशन बिल्कुल भी मत लेना, ठीक है? ये कोई उल्टी उल्टी चीज नहीं है, जस्ट मुझे मिली तो मैंने रिकॉर्ड कर ली। तो ये एज अ डिस्क्लेमर टाइप में इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों की सोच थोड़ी नीचे होती है, तो उन लोग को समझाने के लिए मैं डिस्क्लेमर डाल रहा हूँ। बाकी तुम लोग ब्लॉग देखकर चलो एंजॉय करो। तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। बुक तो सब अपने घर में होंगे और भैया एकदम मौज मार रहे होंगे। तो डेली ब्लॉग के 10th एपिसोड में आप लोगों को स्वागत है गाइस। तो रोज की तरह आज हम काम पर नहीं गए हैं, तो आज हम लोग घर पे ही हैं। हालत देख सकते तुम लोग, अभी मुँह से कुछ नहीं धोया, अभी घर में थोड़ा काम था मुझे आज। तो काम ये है कि आज मैं कुछ बनने वाला हूँ। क्या बनने वाला हूँ चलो फिर तुम्हें दिखाता हूँ आज मैं क्या बनने वाला हूँ। तो हाँ भाई, तो आज मैं बनने वाला हूँ धोबी। आज मैं धोबी बना हूँ। आज मुझे अपने कपड़े धोने हैं, इसलिए आज मैं साइड में नहीं गया। तो कपड़े धोना भी जरूरी है। नाइस। कपड़े धो के खुद को धोएगा अपन, अच्छा मतलब नहाएगा, उसके बाद देखते क्या करना है। तो अभी यहाँ पे भाई फोन अरेंज का तो है नहीं, तो तुम इतने खुश नहीं हो तुम मुझे कपड़े धोते हुए देख सको। सी बता दिए हम तुमको, तो कपड़े धो के खुद को धो के फिर तुमसे मिलते हैं। One eternity later. तो हाँ भाई, तो एकदम नहा धो के कपड़े सामने धोने के बाद अपन उन लोग पहुंच चुके हैं साइड में। तो क्या नाचो भाई? पूरी कैब वैब लगा के रखी भाई, क्योंकि आज मेरे को बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, क्योंकि कल की बारिश पड़ी है। ऊपर से यहाँ सामने वाले पहाड़ में भैया बर्फ भी पड़ रखी है, तो ठंड काफी हो रही है और मुझे ज्यादा लगती है। मुझे ठंड अभी बहुत ज्यादा लग रही है, क्योंकि उसमें नहा के भी आ गए। तो अब ये मत कहना कि तू रोज नहाता क्या? ये फंस गया सी। रोज नहाते हैं लेकिन रोज इतनी ठंड नहीं होती जितनी आज हो रही है यहाँ, क्योंकि कल बारिश पड़ी थी, बर्फ भी पड़ी थी, तो आज यहाँ पे भाई करते जा रहे वाली ठंड हो रखी है। तो नीचे मशीनें चालू हो चुकी हैं, साइड अपना प्रोग्रेस पे है, अपना काम चल रहा है, वर्किंग साइड पे चल रहा है अपना काम। और अपन अपनी जगह पे आगे बैठ गए हैं, अपना काम कर रहे हैं जो मैं यहाँ पे आके रोज करता हूँ। वही थोड़ा बहुत एडिटिंग करते हैं, थोड़ा बहुत शूटिंग वगैरह अपन लोग इधर ही करते हैं सारा कुछ जो जो करना होता है। उसके बाद आगे के क्या सीन चलने वाले हैं वो तुम लोग को आगे व्लॉग में पता लगने वाला है। और हाँ, तो मैंने पिछली वीडियो में कहा था, इस वीडियो में फिर कह रहा हूँ कि अगर किसी से मेरा मतलब कि मेरा अगर वर्सेस करवाना हो तो करवा सकते हो। तुम लोग को करना कुछ नहीं, बस नीचे कमेंट डाउन करो, उसके बाद देखो कोई भी हो सामने, हम पूरी टक्कर देंगे भाई, हम टक्कर देंगे, हमसे बढ़कर हम ही हैं, लेकिन हम पूरा कोशिश करेंगे टक्कर देने का। और तुम लोग को एक दूसरा ही वेरियंट दिखना पड़ेगा उस बंदे का जिसकी टक्कर तुम मुझे देने वाले हो। तो बस अभी देखते रहो क्या क्या होता है। देख रहे हो यहाँ पे ना कुछ गलत सीन पड़ गए हैं, तुम ये चेक करो, इनकी ना जुड़ गई है। मुझे लगा था कुत्तों पे आता था भाई, ये क्या है कसम से, ये देखो जुड़ी हुई है इनकी। क्या एक्टिंग कर रहा है, अलग भी नहीं हो रहे। ओ भाई ये कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल, मुझे तो नहीं पता था यार। चलो इनकी प्राइवेसी को खर्च नहीं करते हैं। देखो भाई उड़ रहा है वो, लेकिन छूटा नहीं। क्यों उनको करना तो जो कर रहे हैं, किसी की प्राइवेट लाइफ में दखल नहीं देना चाहिए हमें। तो भाई तो तुम लोगों ने पिछली क्लिप देखी, तो मैं जैसे ऐसे बैठा हुआ था तो एकदम से वो चीज़ मुझे दिखी, तो मैंने रिकॉर्ड कर ली, तो सोचा तुम लोग को भी दिखा दूँ। तो कोई भी लोग कोई अगर मेरे से बड़ा अगर कोई ये ब्लॉग देख रहा है तो गलत इंटेंशन मत लेना, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है, ये तो नेचर ही है ये, तो ज़्यादा गलत इंटेंशन मत लेना इस क्लिप से। तो आज का एपिसोड भी करते हैं यहीं पर ख़त्म, मिलते हैं आप लोगों को सबके लिए अगले अलग ही ब्लॉग में। कोई से नया चैनल सब्सक्राइब कर देना यार, वीडियो को लाइक वर्ड शेयर करना बिल्कुल ही मजा आना, मैं भी चला मुझे इस क्लिप को देख के दोबारा हंसना।